अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर अल्लाह ताला आपको आसानियाँ करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैजिक हेयर ऑयल जो कि मैंने अपनी बेटियों के लिए यूज़ करती हूँ और बनाया भी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि घर के काम करते हैं ना और अक्सर क्या होता है कि रोटी बच जाती है दिन की बच जाती है रात की बच जाती है थोड़ी सी वो होती है तो वो इसके कि आप इधर उधर रखने के या फेंकने के आप क्या किया करें कि सुबह के, के टाइम आप जो है ना उनके छोटे छोटे से पीस करके और बर्ड्स के डाल दिया करें एक आप बाउल रख लीजिए बर्ड्स का और आप जब भी ये रखें ना तो साथ ही में आप नियत कर लिया करें कि ये आपका आपकी जान का आपके बच्चों का आपके घर का सदका है और आप इसको रख दीजिए और साथ ही साथ ना आप एक कोई भी छोटा सा बर्तन ले लीजिए उसके अंदर पानी डाल के एक कॉर्नर में पानी रख दीजिए तो परिंदे आएंगे ना वो खाना खाएंगे पानी पियेंगे तो उस उनकी बरकत की वजह से क्योंकि वो हमारे रिस्क में से हिस्सा ले रहे हैं तो उसके असरा आपके घर पर भी आएंगे अच्छा जनाब तो हेयर ऑयल मैंने बनाया था और मैंने इस्तेमाल भी किया था और आपके साथ में उन्हें सोचा कि रेसिपी शेयर करती हूँ तो रेसिपी की तरफ आते हैं सबसे पहली चीज़ है हेयर ऑयल और वो कौन सा हमारा बेस होगी दैट इज़ कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है और इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है रिड्यूस करता है मॉइस्चर फ्राह्म करता है आपकी हेयर की जो जितने भी रूट्स हैं उनको नरिश करता है नेचुरली और बहुत ही इफेक्टिव है अच्छा कोकोनट ऑयल के बाद जो सेकंड ऑयल हम यूज़ करेंगे दैट इज़ दिस वन वाटिका का वाटिका का ये मैंने जो लिया है कैक्टस वाला लिया है ये इन है इसके अंदर कैक्टस है इसके अंदर जिंजर है ये बहुत अच्छा हेयर को ग्रो भी करने में हेल्प आउट करता है और साथ ही साथ इसकी ये भी खूबी है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है इसके प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं और आप कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड का ऑयल ले लिया करें क्योंकि ये थोड़ा सा ही जाएगा बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन अगर आप अच्छा ऑयल लेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे थर्ड थिंग इज़ कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल मॉइस्चराइज़ करता है आपकी स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है हेयर फॉलिकल को बूस्ट देता है विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखती हैं और जब आपकी स्कैल्प हेल्दी होती है तो ऑब्वियसली आपके हेयर ग्रो करते हैं अच्छा तो जनाब हेयर ऑयल के बाद बारी आती है हर्ब्स की तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोजमेरी रोजमेरी एक फ्रेगनेंट है आप इसको अपने जब ऑयल में डालेंगे तो इसकी फ्रेगनेंस आपके हेयर ऑयल के अंदर भी आएगी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा साथ ही साथ रोजमेरी आपको पता है कि ट्रडिशनली यूज़ होती है आपके इम्यून को बूस्ट करती है सर्कुलेशन को बढ़ाती है आपकी जो स्कैल्प है उसके लिए बहुत अच्छी है साथ ही साथ ये जो हेयर लॉस आपका होता है उसको कंट्रोल करती है नेक्स्ट चीज़ है आपके पास मेथी दाना या मेथरे ये दोनों आप दोनों यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका ये है कि अगर आपको सूट करता है तो आप डालें पहले थोड़ा सा आप करके देख लीजिए अगर आपको सूट करेगा तो फिर आप नेक्स्ट ऑयल में भी डाल लीजिएगा बहुत थोड़ा सा जाएगा ये भी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और साथ ही साथ आ जाएगा हमारे पास कलों जी जी हाँ ब्लैक सीड आपको पता है कि इसका तो जिक्र हदीस में भी है सो ये हम डालेंगे अच्छा हमने करना क्या है सबसे पहले हमने लेना है कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल का जो बर्निंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इस वजह से ही हमने सबसे पहले इसको डालना है किसी भी बर्तन के अंदर आप डाल लीजिए और साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे मेथी दाना या मेथरे एक चम्मच टी स्पून डाल दीजिएगा और जो हमारी कलौजी है वो भी एक टी स्पून ही जाएगी इसके बाद आती है बारी कोकोनट ऑयल के अंदर डालने की रोजमेरी की तो रोज़ मेरी हम ले लेंगे क्वार्टर टी स्पून बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें जाएंगी इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े से जाएंगे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ली हुई होती है इसलिए कि पड़े रहते हैं तो आप जब भी आपका दिल करता है जब भी ऑयल ख़त्म होता है वो आप यूज़ कर लेते हैं वैसे खाने में भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं उसके बाद हम डाल लेंगे कोकोनट ऑयल के अंदर कैस्टर ऑयल जी हाँ जब कैस्टर ऑयल डालेंगे ना वो मतलब तकरीबन पाँच से दस मिनट के अंदर आपका ऑयल तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जैसे कैस्टर ऑयल हो गया या वाटिका जो का जो ऑयल है वो हो गया ये हम डाल कर रख लेंगे अब देखिए ये जो ऊपर जमा हुआ है ना ये सारा का सारा कोकोनट ऑयल है और नीचे जो है ये हमारा इन्फ्यूज़्ड बाकी तमाम ऑयल हैं जो कि जमते नहीं हैं इसको आप बॉटल में रख लीजिए और कांच की बॉटल हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमने इसको रीहीट भी करना है तो अगर आपकी कांच की बॉटल होगी तो वो अच्छा होगा अगर आप लगाना चाह रहे हैं दिन के टाइम तो आप इसको धूप की में रखेंगे तो वो धूप की वजह से इवन मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप इसका ढक्कन उतारिए माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करें फॉर फाइव टू थ्री सेकेंड्स और उसके बाद आपका देखिएगा कि ऑयल अलग हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो आप इसको स्कैल के ऊपर लगाइए लगाने के बाद आपने दो घंटे छोड़ना है और उसके बाद शैम्पू कर लेना है और रिज़ल्ट आपके सामने है मैं अपनी बेटियों के लिए यही बनाकर यूज़ करती हूँ आप भी यूज़ करिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में अल्लाह हाफिज़